आप नेक्स्ट नाइन न्यूज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आप सभी के बीच आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ एक बेहद स्पेशल प्रोग्राम। देश दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं विश्व के सबसे आमिर व्यक्ति एलन मस्क। तो आज हम एलन मस्क के बारे में कुछ जानकारियां आपके बीच पेश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो एलन मस्क है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। टेस्ला कार्स को लेकर जिस तरह से दुनिया भर में तेजी से उनके बिजनेस ने एक बेहतरीन छाप छोड़ी है, इस बिजनेस को इंडिया में जिस तेजी से फैलाने के लिए तैयार है एलन मस्क। इंडिया में टेस्ला कार की एंट्री को लेकर जिस तरह की चर्चा है, इस पर तमाम तरह के स्टेटमेंट्स लोगों के आए हैं। लेकिन आज हम आप सभी के बीच बात एलन मस्क की कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे आखिर एलन मस्क की जिंदगी कैसी है, कैसे उन्होंने अरबों अरबों की संपत्ति इकट्ठा की, कैसे इतने बड़े बिजनेस को उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के बदौलत अपने नाम किया। एलन मस्क की पूरी लाइफस्टाइल और उनकी जो बिजनेस है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो प्रोफेशनल होकर लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं, और वाकई में आज के युवा पीढ़ियों को एलन मस्क से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो एक नज़र डालिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। भारत देश में भी पूरी दुनिया भर की तरह इस दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके एलन मस्क को लेकर तमाम सवाल हैं, और हम आप सभी के बीच इन सभी सवालों का जवाब देंगे। भारतीय बाजार में भी जिस तरह से एलन मस्क को लेकर दिलचस्पी है, फैंस जानना चाहते हैं कि एलन मस्क आखिर है कौन, आखिर वो है कौन जिन्होंने बहुत कम उम्र में पूरी दुनिया भर में तमाम तरह से आज एक इतिहास रच दिया है, उनके जीनियस होने को लेकर चर्चा है, और कैसे उनकी ताकत पूरी दुनिया भर में अच्छे अच्छे आमिर शख्सियत पर भावी पड़ गई है। सिर्फ 49 वर्ष के एलन मस्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्म 28 जून 1971 को लेने के बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते चले गए। उनकी संपत्ति की बात की जाए तो तकरीबन $1.5 खरब की संपत्ति दिसंबर के महीने में साल 2020 में मापी गई थी। पत्नी का नाम है तालू हुला रायली, जिनसे उनकी शादी साल 2013 में हुई और 3 साल तक चली। इसके बाद और भी उनकी शादियां हुई। वैसे तो आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल एलन मस्क की जिंदगी में काफी लोग हैं जो उनकी जिंदगी में बहुत खास हैं। जस्टिन मस्क से उनकी शादी साल 2008 में हुई थी, और साल 2008 में वो शादी टूट गई थी। इसके अलावा दोबारा से उनकी शादी साल 2010 में हुई तालूलाल रायली से, और 12 में टूट गई। फिर तालूलाल रायली से ही उनकी शादी आगे भी चली है। खैर, बच्चों की बात करें तो उनके कई बच्चे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी के जन्म पर उनका नाम एक्स ए रखा है, A/12 रखा है। ये उनकी बेटी का नाम है जिसे लेकर काफी चर्चा है। पहली पत्नी जस्टिन से उनके 6 बच्चे हुए, उनमें से एक बच्ची को उन्होंने खोया, बाकी सभी लड़के ही। और एलन और उनकी गर्लफ्रेंड ने साल मई में एक बेटे को जन्म दिया। साल 2021 में उनके बेटे की काफ़ी चर्चा हुई। 8 जनवरी को उनकी बेटी का जन्म के बाद काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर चर्चा रहा। एलन की जिंदगी पर एक किताब भी है उनका एलन मस्क के नाम का। वैसे एलन मस्क, जिनकी अमेरिकी दिग्गज व्यापारी के तौर पर चर्चा है, अफ्रीकी कैनेडियाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक हैं वो, जो कि एक दक्षिणी अफ्रीकी होने के साथ साथ एलन रे मस्क के तौर पर
पूरी दुनिया भर में संस्थापक सीईओ और मुख्य डिजाइनर टेस्ला कंपनी के हैं, जो संस्थापक सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार, OpenAI के सह अध्यक्ष और न्यूरोलिंक के संस्थापक होने के साथ सीईओ और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक भी हैं। तो ये तो उनके बारे में बेसिक बात थी, अब एलमस के बारे में बात हो रही है, तो चलिए हम उनके बारे में कुछ और भी ऐसी बातें बताते हैं जिससे शायद आप अनजान होंगे। पूरी दुनिया भर में, यहाँ तक कि बेंगलुरु में शुरू की है उनकी कंपनी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है। उनकी संपत्ति के बारे में सबसे चर्चा इसलिए रही क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई उन्होंने की है। पहले भी कमाई के मामले में वो पीछे नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने इतिहास रच दिया। साल 2002 में कहा जाता है कि 1.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति को लेकर इसकी भी चर्चा हुई, क्योंकि कहा जाता है कि 307 मिलियन डॉलर की कॉम्पैक जो कि रिक्वायर था साल 1999 में, इसकी शुरुआत उन्होंने को फाउंडेड Zip2 के जरिए अ वेब सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ की। उन्होंने फर्म किया X.com को, ऑनलाइन बैंक है ये। इसके बाद कॉन्फिनिटी जो इन्होंने इसके साथ मर्ज किए साल 2000 में, और इसके बाद लॉन्च किया पेपल को बीते साल, और फिर आगे जाकर ये बढ़ती चली गई इनकी संपत्ति, क्योंकि उनके फेमस होने का कारण उनका दिमाग भी है। द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फर्म पेपल को फाउंड करने के साथ उनकी चर्चा हुई स्पेस क्राफ्ट कंपनी स्पेस एक्स के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब वो बने इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के, तब उनकी काफ़ी तारीफें भी हुई। उनके बोर्ड के हिसाब से ज़्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि 185 बिलियन डॉलर की संपत्ति, अगर माने CNBC कैलकुलेशन की तो ये कहा जा रहा है रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वो बन चुके हैं। और इसी के साथ साथ टेस्ला ने शेयर प्राइस जो पुश किए मस्क के, उसके बारे में काफ़ी चर्चा है। जेफ बेजोस जो कि साल 2017 में सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनकी वर्थ है 184 बिलियन डॉलर और उससे भी आगे निकल गए एलन मस्क, जो कि फर्स्ट बिलियनर नहीं है लेकिन इस वक्त सबसे बड़े हैं। इससे पहले फर्स्ट बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर थे साल 1916 में, US डॉलर बिलियनर के तौर पर उन्हें कंफर्मेशन मिली थी। तो वहीं अगर बात की जाए बिल गेट्स और एलन मस्क के रिचर होने के बीच तुलना की, तो बिल गेट्स को ओवरटेक किया है एलन मस्क ने, वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट्स। तो वहीं एलन मस्क इस वक्त सबसे ज़्यादा रिचेस्ट इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनकी तारीफ साल 2020 में उनकी कंपनी को लेकर हुई, जो कि 7.2 बिलियन डॉलर से 128 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ नवंबर में मापी गई रिपोर्ट की माने तो चर्चा रही। एलन मस्क की IQ की लेवल की भी काफ़ी चर्चा रही है, उनके IQ को एस्टिमेट किया जाता है 155, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट में इसकी चर्चा हुई, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को लेकर इनकी काफ़ी तारीफ हुई है। वैसे स्टूडेंट्स को 9 टिप्स ज़रूर लेने चाहिए एलन मस्क से, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय इस वक्त बने हैं। चलिए आपको बता दें आखिर क्यों है इस बारे में चर्चा। दरअसल ये सब जानते हैं कि एलन मस्क ने जो इतिहास रचा है अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने इंस्पिरेशन तो क्रिएट किया है क्योंकि बहुत कम उम्र में टेस्ला के इस को-फाउंडर ने ज़बरदस्त इतिहास रचा है। एलन के IQ लेवल की तारीफ की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल है, तो वहीं जिस तरह से उन्होंने एक रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर के तौर पर पहचान बनाई है, उनके स्टेटमेंट्स शानदार रहे। X.com को साल 1999 में, SpaceX को साल 2002 में, टेस्ला मोटर्स को साल 2003 में, और मल्टी मिलियनियर वो अपने सिर्फ 20s में बन गए थे।
तब से ही Zip 2 को डिविजन कर कम्पैक्ट कंप्यूटर्स के तौर पर तैयारी करना उनके लिए शानदार था। वैसे उनकी बायोग्राफी को एशली वेंस ने भी लिखा है, जिसे स्टूडेंट्स को जरूर पढ़नी चाहिए एक सक्सेस के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम विश्व भर के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन में टॉप पर इस बार बिल गेट्स तक को पीछे छोड़ने वाले एलन मस्क को लेकर हमारा ये शो। एलन मस्क की हमने बात की है, अब वक्त हो गया है आपसे यही विदा लेने का। फिर लौटेंगे ऐसी ही देश दुनिया भर की ट्रेंडी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज रूम में लेकर आप सभी के बीच। तो आप देखते रहें हमारा ये चैनल और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, हर तमाम खबरों के लिए, बॉलीवुड से लेकर दुनिया भर के बड़े चेहरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।